रेवाड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर पर कसा तंज। आवारा पशुओं से की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तुलना। बोले करने धरने को कुछ भी नहीं है मुख्यमंत्री के पास। चौटाला ने की भविष्यवाणी। बोले 2024 से पहले टूट जाएगा हरियाणा में गठबंधन। छोड़कर भाग रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक। सत्ता की भूखी नहीं है इनेलो पार्टी। सत्ता के साथ है हमारी लड़ाई। इनेलो नहीं करेगी किसी के साथ गठबंधन। इनेलो की नीतियों में विश्वास रखने वालों के लिए खुले हैं इनेलो के दरवाजे। करनाल में पत्रकार की गिरफ्तारी पर बोले आईबी सीआईडी और ज्यूडिशियरी पर सरकार का कब्जा। सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों पर होती है कार्रवाई। चौटाला ने सरकार से किया सवाल, आखिर प्रदेश में किस बात का है कर्जा। प्रदेश में विकास के नाम पर नहीं लगी एक भी ईंट। वृद्धा अवस्था पेंशन खत्म कर पैसा खा गई सरकार। खजाने से निकाल कर सत्ताधारियों की जेबों में जा रहा है पैसा। प्रदेश की खिलाड़ी बेटियों को लेकर बोले, इनेलो सरकार ने ही दिया था खेलों को बढ़ावा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की भी की थी घोषणा। बोले खिलाड़ियों के समर्थन में अगर प्राण भी देने पड़े तो नहीं हटूंगा पीछे। सर, प्रदेश की बेटियां जो है धरने पर बैठी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ध्यान होगा, एक दफा पहले जब हमारी सरकार बनी थी मुख्यमंत्री बना था, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने रोहतक में गया था। मैं जब भाषण दे रहा था, मेरे सामने जवान पीढ़ी के लोग, बच्चे, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन विरोध में नहीं, अपनी नीति के अनुसार। मैंने उस भाषण में एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा, ये जो दीवार पे लिखा हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी हो सकता है, लेकिन संयोग से ऑस्ट्रेलिया में विश्व के गेम्स हो रहे थे। मैंने कहा इन गेम्स में जो हरियाणा का जवान गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसे 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से देगी, और जो चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपया देगी, और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया देगी। उस वक्त हरियाणा की एक लड़की आंध्र प्रदेश की थी, ब्याही हुई हमारे प्रदेश में, गई करणम मल्लेश्वरी उसका नाम था, उसने कांस्य पदक जीता था, और वो हवाई जहाज से उतर करके जब हमारे देश में आई, मैंने उनके स्वागत स्वरूप 25 लाख रुपया नकद उसको उतरते ही दिए। उसका सुखद परिणाम ये निकला है, आज जहाँ कहीं भी गेम्स हो रहे हैं हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आते हैं, आते हैं कि नहीं आते। उस वजह से लोगों ने हौसला हुआ और नई पीढ़ी ने खेलों में उत्साह लिया, दिलचस्पी ली। मैंने तो उनके समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपना प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। एक खट्टर साहब का बयान सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि जजपा हमारी सिर्फ सहयोगी पार्टी है, और जो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन, वो सिर्फ हम 3500 बढ़ाएंगे, बाकी जो जजपा प्रयास कर रही है वो करती रहे। 3000। आपको ध्यान होगा खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उसको खट्टर कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते। मैंने गलत कही थी क्या?
ये तो वो हमारा पुरुषोत्तम सा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके बाद। एक मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूँ। एक करनाल के अंदर आज पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई, सचिवालय के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसका दिखावा करा तो उसकी गिरफ्तारी कर लिया। इस सरकार का 3 मामलों पर कब्जा है, आईबी, सीआईडी और जुडिशरी। करनाल वाले का नहीं, आपके अखबार नब छोर पर भी छापा मारा था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिख दिया था। तो ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप सारे साथी खड़े हो, जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों से आपका मिलना हो उससे एक ही प्रश्न पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट लगी हो तो बता दें। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं, स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही है, मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेकारी और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान, महिलाओं को जो दिक्कत आ रही है वो मैंने बताई। तो आप उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है, कहीं के साथ पैसा तो उन्होंने खर्च नहीं किया, उल्टा इससे भी तसल्ली नहीं हो रही, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन खत्म करके भी वो पैसा खा लिया। वृद्धावस्था पेंशन तो सरकार के खजाने से मिलती है, वो खत्म कर दी, अब वो पैसा उनकी खत्म की हुई पेंशन का है, खजाने से तो निकल रहा है लेकिन इनकी जेबों में जा रहा है, विकास पे खर्च नहीं हुआ। सर संगठन की बात करें, पद यात्रा भी निकली है, मगर आज पूरे सभागार में देख रहे हैं सिर्फ हरी पगड़ी एक ही व्यक्ति ने पहनी और एक आपने पहनी है, बाकी गर्मी है, गर्मी में लोगों ने पगड़ी नहीं पहनी, वैसे वो हरी पगड़ी के समर्थक हैं ये तो आपको मेरे कहने की आवश्यकता है। एक साहब गठबंधन को लेकर कैप्टन अजय यादव की तरफ से एक बयान आया कि मुख्यमंत्री ने जेजेपी के सारे विधायक तोड़ लिए हैं, अब कोई गठबंधन नहीं है हरियाणा में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले? किसी व्यक्ति विशेष के मामले में मैं आदत नहीं है, मैंने ये बात कही नहीं, अच्छा आपने पूछ के। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गठबंधन टूट जाएगा, आपको लगता है कि नहीं लगता है? दूसरी पार्टियों के लोग पार्टियां छोड़ के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी उनको छोड़ के भाग रहे हैं, जब सब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मिट्रपोल होंगे कि नहीं होंगे, तो इसलिए ये क्या कहते हो मैं उस पर ही जानता हूँ। जो सब एक चर्चा हो चल रही, देश में गठबंधन का सवाल है जी, ये कोई पहली मर्तबा ऐसी बात नहीं कर रहे। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी की केंद्र में सरकार गिर गई थी, हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से उनको अनकंडीशनल पूरा समर्थन दिया था और उनकी सरकार बनाई थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने बारहा हमें कहा कि आपको ये अपना नुमाइंदा दे मैं मंत्री बनाऊंगा, हमने कहा हम स्वार्थी नहीं हैं, हम सत्ता पक्ष के भूखे नहीं हैं, हम अनकंडीशनल इसलिए आपको समर्थन दे रहे हैं कि देश का भविष्य हो। जो सब एक चर्चा ये भी है कि इनेलो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है, चुनाव में किसी के साथ गठबंधन कर सकती है, जनता ये पूछना चाहती है कि क्या इनेलो किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव? आज हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष के खिलाफ, इसलिए सत्ता पक्ष में बने हुए लोगों से गठबंधन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं है, बाकी सबके लिए हमारे दरवाजे खोले हैं, स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने आपको जेल में डाला था क्या कांग्रेस? हारे आप देख रहे हो रोज अखबारों में, इनमें भी आता है, हर जगह जहाँ कहीं भी हम जाते हैं लोग शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल का कुछ है? हमारा किसी से कोई तालमेल इस वक्त तक नहीं है,
लेकिन कोई अगर हमारे साथ हमारी नीतियों का समर्थन करते हुए शामिल होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे।